हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बाबा की खुश। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में तहां थर्मल एक्सपेंशन की गाल कई, तो शयन के जने पान गरम कयूं था तो उनमें वाद छो थी दिया, या पान गाल कई। अज हलो तो पान इनके थोड़ो डिस्कस क्यों जे टाइप से, जैमें सब खां पहरी पान चाहूं था लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, स्पेशली असां गाल कंदासी थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड जी। सॉलिड में लेंथ में वाद थी दिया, छाकाण उन जो पेंजो बेसिक डायमेंशन जो आ। अच्छा, एरिया में भी थी दिया, ऐं गडो गड़ पाण चई सघूं था वॉल्यूम एक्सपेंशन भी थी दिया। सब खां पहिरियां पाण ॻाल्हि कंदासीं लीनियर एक्सपेंशन, उन खां पोइ पाण ईंदासीं एरिया ते, ऐं उन खां पोइ पाण ईंदासीं वॉल्यूम ते। सो हाणे हलो त पाण पहिरीं अचूं वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, जंहिं जो ॿियो नालो असां रखूं था लीनियर एक्सपेंशन। हलो, अच्छा नाले मां पुटु ज़ाहिर आहे, वन डायमेंशन लेंथ खे चइबो आहे, एरिया माना 2D, वॉल्यूम माना 3D। त पोइ सिंपली हिते पाण ॻाल्हि इहा कंदासीं द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लेंथ, इनखे पाण छा था चऊं, दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। डेफिनेशन थी वही। अच्छा, हाँ वह कें थी, कड़े फैक्टर्स से डिपेंड कंदी, इन गाल जरूरी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान दियो पुट, मिसाल तौर पा एक जनरली गाल क्यों था, ही एक रॉड खूँ था, ओरिजिनल लेंथ था वह कान का एल ओरिजिनल लेंथ था। फॉर एग्जाम्पल, ही इनकी लेंथ था एल एट टी 1°C बिफोर हीटिंग, गर्म करण खां पहिरियां इनजी ओरिजिनल लेंथ थी आहे। हाणे हलो त पाण इनखे गर्म कयूं। अच्छा, गर्म ईअं नाहे कबो त तव्हां पकिड़े करे जेको आहे सो बाहि ते रखूं जीअं बाबू लोहार कंदो आहे, ईअं न, इनखे तरीक़े सां कंदो, गर्म कयो, टेम्परेचर ॾियो, हीट ॾियो, सो दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल्स आर ऑल्सो इनवॉल्व दैट पार्ट ऑफ हीट एज वेल, ईअं न, हिकिड़ो पोर्शन जेको आहे सो तव्हां दॿे गर्म कयो, ईअं न। अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट तव्हांखे करणी आहे, मतिलबु कंहिं अहिड़े सिस्टम में इनखे खणो जो अव्हांजी सप्लाइड एनर्जी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल या हर मॉलिक्यूल जेको उनजो पार्ट आहे या उनजो हिसो आहे उनखे मिले। अच्छा, त पोइ छा थींदो, हर मॉलिक्यूल जेको आहे उहा ॿिए जे विच में जेको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आहे वीक थींदो, थोरो उनजो डायमेंशन वधंदो, त अल्टीमेटली उन सां छा थियो, लेंथ वधी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, गर्म करण सां जेका रॉड आहे उनमें वाध ईंदी न, श्योरली ईंदी। अच्छा, लेंथ में ईंदी छो, छाकाणि त बुनियादी तौर ते हिनजो एरिया नेग्लिजिबल आहे, त नेग्लिजिबल एक्सपेंशन इन एरिया, वॉल्यूम त आहे ई कोन को, वन डायमेंशन आहे, त अकॉर्डिंगली इनमें एक्सपेंशन थींदी न। अच्छा, गर्म थी वञण खां पोइ इहा जेका रॉड आहे इहा पहिरें जी भेट में थोरो मामूली वधीक नज़र ईंदी तव्हांखे लेंथ में। अच्छा, सरवल हितां वा थी, हितां छो न थी, ॾिसो हीअ जनरली सभिनी पासनि खां थी आहे न, मुर्गो कंपेयर करण जे लाइ रुगो हिकिड़े पासे खयो आहे, डज़ नॉट मीन के हितां एक्सपेंशन जी हितां न आई थी, नो, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन थी आहे टू बोथ ऑफ द एंड, पर जनरल असां जेकॾहिं कंपेरिज़न कयूं था त कुझु ईअं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पाण चऊं था ही इनजी फाइनल लेंथ आहे, मिसाल तौरु एल डैश एट टी 2°C, ओरिजिनल लेंथ थी हुई, ही इनजी फाइनल। अच्छा, चेंज थी आहे या न, बिल्कुलु थी आहे, केतिरी चेंज थी आहे, फाइनल मां ओरिजिनल तव्हां माइनस कयो, तक़रीबन तव्हांजे साम्हूं आहे बाबा, ही उहो टुकड़ो आहे जेको अव्हां ॿुधाए सघो था त चेंज थी आहे, दैट इज़ ऑल अबाउट वी कैन से एक्सपेंशन, ही आहे एक्सपेंशन, ठीकु आहे। सो ॾाढो सिंपल एक्सपेंशन जेका थी आहे उहा दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू फाइनल माइनस ओरिजिनल, ठीकु आहे न। हाणे इहा थर्मल एक्सपेंशन जेका आहे इनखे मैथमेटिकली पाण लिखंदासीं कीअं, ॾिसो थोरो ध्यानु ॾियो, द एक्सपेंशन ऑफ या एक्सपेंशन इन लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज, इनखे तव्हां कीअं लिखंदो, सिंपल आहे, फाइनल मां ओरिजिनल खे तव्हां माइनस कयो, ठीकु आहे न, फाइनल मां ओरिजिनल पुटु तव्हां माइनस कयो, तव्हांखे लीनियर एक्सपेंशन या लेंथ मिली वेंदी। हाणे पाण अचूं था त हीअ कहिड़नि शयुनि ते डिपेंड करे थी, ठीकु आहे, हीअ जेका एक्सपेंशन आहे इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर, कहिड़ा फैक्टर्स आहिनि जिन ते इहा डिपेंड करे थी, पाण हिकिड़ी हिकिड़ी शइ खे हाणे डिस्कस करणु हलूं था। ओके, अच्छा पुटु, सभ खां पहिरीं पाण अचूं था त ॿ लेंथ पाण खणूं था, थोरो ध्यानु ॾियो, ॾिसन, हिकिड़ी रॉड आहे जंहिंजी लेंथ नंढी आहे, ॿी रॉड आहे जंहिंजी लेंथ वधीक आहे,
मां हिनके भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ते गर्म तो गया, हिनके भी गर्म तो गया। कैन यू प्लीज टेल मी के वधिक एक्सपेंशन छा में थन खपे, जे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वधिक हुंदा त कलेक्टिवली उनमें एक्सपेंशन वधिक थींदी, जे में घट लेंथ था मॉलिक्यूल जो तादाद घट हुंदो एक्सपेंशन घट थींदी। तो जनरली आना यार जेतरो लेंथ वधिक एक्सपेंशन वधिक, लेंथ जे करे मीटर में आ तो एक्सपेंशन उनके मुताबिक होंगी, पर जो लेंथ आए ही मिलीमीटर में तो उनमें मीटर में तो नहीं एक्सपेंशन थी बाबा। तो जो रिमेंबर ओरिजिनल लेंथ जितो ज्यादा होंगी ओतरो तो पैरों जो फैक्टर आ जैसे डिपेंड करे तो वो कहो ओरिजिनल लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन ओरिजिनल लेंथ से डिपेंड करे थी, डायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से ओरिजिनल लेंथ पैरी गाल। हलो नंबर बो पैरामीटर कहो आ जैसे डिपेंड करे ना सी, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल वायर्स आर टेकन इन दिस, है ना, वो कंडक्टर जिनकी लेंथ आइडेंटिकल आ। ओके नंबर वन, एकड़े कंडक्टर के पान 50 टाइम गर्म था क्यों, बे के पान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म था क्यों, ज्यादा एक्सपेंशन जाम थी। ऑफकोर्स जैसे टेम्परेचर तक वाई उनमें एक्सपेंशन अकॉर्डिंगली होंगी, तो लीनियर एक्सपेंशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। तो जो बो फैक्टर आ जैसे डिपेंड करे तो पुट उनके पान गाल कंदासी राइज इन टेम्परेचर से, राइज इन टेम्परेचर से डायरेक्ट इनवर्स आ इनसा भी डायरेक्ट आ, तो लीनियर एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। नंबर भी गाल अच्छा, नंबर थ्री टो नंबर अच्छा, एकड़ो कंडक्टर आ एल्यूमिनियम, बो कंडक्टर आ गोल्ड सिल्वर जो भी समझो। हलो अच्छा पान बिनी की लेंथ सागी था खो पुट ऐसो, एकड़ो एल्यूमिनियम बो सिल्वर आ अच्छा बिनी के पान सागी टेम्परेचर से भी गर्म था क्यों, मतलब लेंथ भी सागी आ राइज इन टेम्परेचर भी सेम आ, पर पोए बिनी में एक्सपेंशन आइडेंटिकल थी जा नो, ये तो कौन हों एक्सपेंशन वरी भी वेरी थी छो थी सर हाँ जैसे तुम लेंथ भी सागी रखी जैसे तुम हर शे सागी था रखो पर पोए वेरिएशन छो, नेचर ऑफ मटीरियल लगा एल्यूमिनियम जे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो स्ट्रेंथ भी होंगी, सिल्वर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ भी होंगी, तो जो हीट तुम सप्लाई किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वीक थी करे वो एल्यूमिनियम के केस में डिफर कंदी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ सिल्वर, तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन वुड बी अकॉर्डिंगली। तो जो टियों नंबर फैक्टर आ जैसे सारी कहानी डिपेंड करे थी उनके पान चौंदा नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल अच्छा नेचर ऑफ मटीरियल से डिपेंड करे थी ड्यू टू दैट फिजिकल फिनोमेना। ओके हाँ पान खबर कंदी मैथमेटिकली पान के फार्मूला ठाणो आ ना, तो हाँ पान कंदी मैथमेटिकली इन बिन्हीं के पान में कंबाइन कंदी रिलेशन के, सो हाँ ध्यान दियो कंबाइन रिलेशन वन एंड टू इन बिन्हीं के पान में कंबाइन कर। अच्छा थोड़ा ध्यान दियो बुटेना इन पास एक मिनट, अच्छा डेल्टा एल डेल्टा लिते भाए तो ये डेल्टा एल एक दफो लिखो, मतलब डेल्टा एल यो सागे रखो, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी अवां भी दियो ते, अच्छा एल सांबा है डेल्टा टी सांबा है तो एल भी दियो डेल्टा टी भी दियो, ये ना कंबाइन ही कबो बाबा। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी के हटाबो आ तो इज इक्वल टू डिबो आ गडो गड पान कॉन्स्टेंट भी डींदा पढ़ियो पुट तुम मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ इतने जो असा कॉन्स्टेंट नहीं हों इतफाक से प्रोपोर्शनलिटी जड़ो ही आ पर ही निशानी थोड़ो अलग आ ना ही होंगी प्रोपोर्शनलिटी ही होंगी ही निशानी वरी बी आने चबो अल्फा ही आ प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी वरी थोड़ो ये समझो तो फ्लैट होंगी अल्फा वरी जो वर्टिकल प्लेन से कुछ ही हों ठीक है। सो बहरहाल अल्फा एल डेल्टा टी यो साग हाँ ही पान के फार्मूला मिली वो इनके पान चंदी इट इज एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन लेंथ, ही असा के चेंज इन लेंथ जो फार्मूला मिले पर इनमें अल्फा चाहे अल्फा कॉन्स्टेंट आ हेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट इन जो नालो कड़ो इन जो नालो आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट छो था चो कें वेरिएबल के अगर जो नंबर होंगे कॉन्स्टेंट होंगे उनके कोएफिशिएंट चबो ना,
तो एल डेल्टा टी जगह जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट आ तो नालो रखे वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सर वो इन जी डेफिनेशन चाहती इन जो फार्मूला चाहती यो तो कर सके तो क्या इनके लिखे की सके तो इनके पान कड़े तरीके से लिखी सकूंगा सिंपल आ अल्फा मालूम करना ना बेटा हाँ एल डेल्टा टी वाली जो लोध आ मल्टीप्ला थे पी ना उन पास खी हलो तो डिवाइड थी तो अल्फा वुड बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी हाँ अंग्रेजी में लिखण पव लफ्जन के एक प्रॉपर अरेंजमेंट उत अल्फा माना क्या चेंज इन लेंथ माना डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ वरी अपॉन राइज इन टेम्परेचर तो पो जनरली पान इनके लिखी की सकूं था बाबा द चेंज इन लेंथ डेफिनेशन जेका हन माई थी सके थी द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन माना पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ वरी अपॉन में भी अच्छा है डेल्टा टी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इनके असा चई सकूं था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अवता चई सकूं था अच्छा सर इन में भला जेकर कॉन्स्टेंट आ तिन जो वैल्यू छा थिंदो दिसो हन जो वैल्यू डिपेंड करे थो त मटेरियल केडो इस्तेमाल दा कयो दिसो अवान जेका सवेर गाल के मटेरियल ते डिपेंड करे थो तो हर मटेरियल में इंटरनल स्ट्रक्चर एटॉमिक अरेंजमेंट या जेका इंटरनल प्रॉपर्टीज आन उ सबनी जो मुख्तलिफ आन ना तो एक्सपेंशन जो जेको बिहेवियर आ सबनी जो अलग आ तो वैल्यू ऑफ अल्फा जेको आ उआ ब सबनी जो अलग आ तो डू रिमेंबर इन जो जेको वैल्यू आ इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल हर मटेरियल जे ला बाबा अलग हिकड़ो वैल्यू आ अवां जे बुक में आई थिंक पेज नंबर 5 या 6 ही हो जाए पेज नंबर 5 ही आ उते एकड़ो टेबल ठयो पे उन टेबल में अल्फा जा वैल्यू सजा मिलिया पे ता उनन के थोरो रिव्यू करे वठजो याद ना इन करना लाजमी ना है पर यो दिसी वठजो ताके थोरो अंदाजो थी विंदो ठीक आ अच्छा यूनिट केड़ो आ हां इहा गाल करे सके थी हन जो यूनिट असा बताय सकूंगा की अच्छा फार्मूला मा यूनिट डेल्टा एल माना छा लेंथ लेंथ जो यूनिट केड़ो मीटर अच्छा ओरिजिनल लेंथ माना छा मीटर मीटर ए मीटर पण में कैंसिल थिया टेंपरेचर जो यूनिट केल्विन आ केल्विन खणी हलो मथे तो केल्विन इनवर्स थियो या खाली 1 अपॉन केल्विन थियो तो केल्विन इनवर्स करे लिखो या जनरली पण लिखी सकूं था 1 अपॉन के इनवर्स करे लिखो या 1 अपॉन के लिखो बिनी केसेस में पुट तानी मर्जी आ ताकि अंदर तो ही एकड़ो सिंपल कॉन्सेप्ट थियो अल्फा या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जेका तां डिफाइन कयो था हलो हाने नंडड़ी एकड़ी गाल त एक्सपेंशन जडे थी आ त फाइनल लेंथ केतरी थी थोरो इनते पण गाले गलाइबा थोरो एडा एकड़ो मिंट जेका फाइनल लेंथ हुंदी उआ केतरी हुंदी इनते पण हाने थोरो नंडड़ी एकड़ी डेरिवेशन पण ते करे ता वठूं डेरिवेशन फॉर फाइनल लेंथ हाने पुट नंडड़ी एकड़ी सादी गाल थोरो ध्यान दियो अच्छा जी त चेंज इन लेंथ पान की लिखी सकूं था अवा हाने अजा पढ़ो आ अल्फा एल डेल्टा टी पढ़ो कुछ भी न कयो डेल्टा एल बुधायो तो इक्वल छा जे आहे फाइनल माइनस ओरिजिनल जी अवा रुगोन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कयो डेल्टा एल जो वैल्यू पुट कयो एल डैश माइनस एल होडा अल्फा एल डेल्टा टी थियो अच्छा माइनस वारो एल डखणी छ कंदा वां के फाइनल लेंथ खपे ना ठीक है तो माइनस जो एल राइट हैंड साइड ते शिफ्ट कयो तो प्लस जो एल दियो अगे उते छा पियो अल्फा एल डेल्टा टी पियो हाने राइट हैंड साइड मा एल वठो कॉमन तो बाकी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचियो हाने ही एक्सप्रेशन ही जेका फार्मूला आहे That is all about final length after heating. ठीक ना तो गर्म करण खां पो फाइनल केतरी भी थी तो ही गाल गर्म करण खां पो वाद केतरी आई एक्सपेंशन केतरी थी तो ही गाल थी एक्सपेंशन घणन शयन ते डिपेंड करे थी पई ओरिजिनल लेंथ टेम्परेचर जो चेंज थे मटेरियल मटेरियल छो छ हर मटेरियल जी इंटरनल आर्किटेक्चर अलग
उहा मैथमेटिकली आइडेंटिफाई छा सां थींदी आहे द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो दैट्स इट. वन डायमेंशनल एक्सपेंशन तव्हांजो इन में थियो. इन जा एप्लीकेशन प्रॉब्लम एम सी क्यूस इनशाला ताला वांगे कमिंग लेक्चर में हूंदा. सो थैंक यू वेरी मच बेटा, खुश रहो.